हेलो फ्रेंड्स, तो चलते हैं। तो आज देखिएगा, हम इस वीडियो में बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस। तो ड्रेस बनाएंगे हम 0 से 1 नंबर साइज के लिए। तो हम 2 कलर ले लिए हैं, ये हमारा पिंक कलर है और ये हमारा ब्लैक कलर है। और 10 नंबर हमने सिलाई ली है इसे बनाने के लिए, और 12 फंदे हम इसमें डाल चुके हैं। फंदों को हमने डाला है सिंगल धागे से इस तरीके से। तो आप चाहो तो इसको डबल से भी डाल सकते हो। तो इस ड्रेस को हम 2 कलर से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हो। तो ये हम बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान तरीके से आपको बना के बताएंगे। तो देखिएगा ये सुंदर सी ड्रेस। फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिएगा, हमने गले से डाल लिया है, ये गले का बॉर्डर है और इसमें हमने 12 फंदे डाले हैं। तो इसको हम इस तरीके से, देखिएगा हमारी पहली सिलाई है, इसको हम ये उल्टा उल्टा इस तरीके से बनाएंगे, ये इस तरीके से इसकी बनाएंगे हम। टोटल 4 सिलाई बनाएंगे, 2 उल्टे तरफ से उल्टी और 2 सीधे तरफ से। इस तरीके से हम ये 4 सिलाई बना लेते हैं। देखिएगा, सीधी सिलाई हमारी पहली वाली, तो इसको भी हमने ये उल्टा इस तरीके से गांठ वाला बना लिया। अब हम हैं उल्टे तरफ, बैक साइड आ गए हैं, तो बैक साइड से भी हम इसको इस तरीके से उल्टा उल्टा ये बना लेते हैं। तो टोटल 4 सिलाई बना के गले का बॉर्डर बन जाएगा। तो इसे बना के हम आपको फिर दिखाते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमने 2 सिलाई बना ली है बॉर्डर के लिए। तो अब हम आ गए बैक साइड, तो बैक साइड से हम इसको लगाएंगे ऑरेंज कलर को। ये दूसरा कलर जो है हमारा, इसको हम इस तरीके से इसको हम बना लेते हैं उल्टा उल्टा। उल्टी तरफ से हमने इसको बना लिया है, अब हम सीधे तरफ आ चुके हैं। तो सीधे तरफ से देखिएगा, अब इसमें हम डालेंगे जालियाँ। पहला फंदा हमने बनाया उल्टा बॉर्डर के लिए, धागा अपनी तरफ ही है। देखिएगा, एक जाली डाली, धागा अपनी तरफ किया, ये दूसरी जाली डाली, धागा अपनी तरफ किया, तीसरी जाली डाली, फिर से धागा अपनी तरफ किया, ये 4 जाली। अब 2 फंदे बनाएंगे पीछे के सीधे इस तरीके से, और फिर से धागा अपनी तरफ किया, फिर से 4 जाली डालेंगे, 1 2 3। और देखिएगा, ये हमारी 4 जाली डल चुकी हैं। और एक फंदा ये हम डालते हैं उल्टा बॉर्डर। तो एक फंदा हमने दोनों साइड बना लिया है, और उल्टे तरफ से इसको हम उल्टा उल्टा इस तरीके से, देखिएगा जाली वाले फंदे को भी हम ये उल्टा बना लेंगे, ये गांठ वाला, और इसको उल्टे तरफ से हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाते हुए चले जाना है। तो देखिएगा, उल्टे तरफ से हम इसको उल्टा उल्टा बनाते हुए ले आए हैं। तो अब हम आ गए हैं सीधे तरफ। तो सीधे तरफ देखिएगा इसको हम किस तरीके से, अब ये जालियाँ हमने 4 लगातार डाली थी, तो इसको हम किस तरीके से अलग अलग भागों में करेंगे जालियों को। बाजू की अलग हो जाएंगी, पीछे की अलग, और आगे वाले पार्ट के लिए अलग। तो एक फंदा हम बनाएंगे किनारे वाला उल्टा बॉर्डर के लिए, धागा पीछे किया, तो जो हमारा ये फंदा था जो हमने जाली डाली थी उसको बनाएंगे सीधा, और धागा अपनी तरफ किया। अब ये जो हमारा फली का फंदा होता है जिस पे जाली डलती है, तो यहाँ से हमने जाली डाल दी, हमारा आगे का पार्ट हो गया। अब दूसरी जाली हम ये जाली पे डालेंगे। अब देखिएगा, ये जो हमारी एक ये है फली बीच में, इसको बनाएंगे हम सीधा, इस जाली को बनाएंगे सीधा। अब ये फंदे हमारे हो गए बाजू के, और धागा अपनी तरफ किया, और ये फली आई है इस पर फिर से जाली डाली। अब यहाँ से हमारे बाजू के हो गए ये वाले, और ये पहले वाले थे, ये हमारे आगे के पार्ट के। अब दूसरी जाली हम इस जाली पर डाली। अब जो ये हमारे सीधे फंदे हैं, जो हमने 2 फंदे बनाए थे पहले सीधे, उनको बनाएंगे हम इस तरीके से, ये सीधा सीधा। तो देखिए, यहाँ जाली तक के फंदे को हमने बना लिया, और धागा अपनी तरफ के। अब ये फली आ गई दूसरी साइड की, तो यहाँ से हम इस पर जाली डाल लेते हैं,
अब ये जाली डल गई, तो ये पीछे का पार्ट हो गया हमारा। अब दूसरी जाली हम डालते हैं ये जाली पर। तो देखिएगा अब ये हमारे बीच में जो फली है ये, इसको हम बनाएंगे सीधा सीधा, और इस जाली को भी हम बनाएंगे सीधा सीधा। और धागा अपनी तरफ किया। अब अभी हमारी ये पहली जाली आ गई, इस फली है देखिए जिस पर हमने जाली डाली थी, और इस पर हम जाली डाल लेते हैं। फिर धागा अपनी तरफ किया और दूसरी जाली हम इस जाली पर। तो ये हमारे दूसरे वाले जो आगे का पार्ट है उसके फंदे हो गए। अब इसको बनाएंगे सीधा, और यहाँ पे हम जो एक फंदा हमारा बॉर्डर का था उसको हम बॉर्डर का बना लेते हैं। तो इसी तरीके से हम इसमें तीन जाली डाल लेते हैं। तो दो हमारी डल चुकी हैं और हम एक जाली और डाल लेते हैं। तो देखिएगा हम तीन जाली इसमें इस तरीके से डाल चुके हैं। तो अब हम इधर से बैक साइड से ब्लैक कलर को बनाते हुए चले आए हैं, और हमने पिंक को यहीं पे छोड़ दिया है। तो बैक कलर से हम ये सभी फंदों को देखिएगा अब जाली नहीं डालेंगे, बस इसमें डिजाइन डालेंगे ये इस तरीके से। ये हम सभी फंदों को, ये जाली वालों को भी, और जो हमारे सादा सादा फंदे हैं सभी को हम ये इस तरीके से उल्टा उल्टा, देखिएगा ये जाली वाले फंदे, ये फली वाला है जिस पर जाली डलती है, और ये भी जाली वाला, इस तरीके से देखिएगा हम इनको उल्टा उल्टा बना लेते हैं। तो एक सिलाई ब्लैक की बनाएंगे, उसके बाद में ये पिंक की बनाएंगे, फिर ब्लैक की बनाएंगे। तो ये बना लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा हमने ये पट्टी डाल ली है एक सिलाई की, तो एक ब्लैक, एक पिंक, एक ब्लैक। तो हमारी चोली की लंबाई भी काफ़ी हो चुकी है, और डिजाइन भी हमारा डल के तैयार हो गया। तो अब हम देखिएगा ये फंदे बनाते हैं। तो हम जाली से जाली तक के फंदे बनाएंगे, एक दो, अभी हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे इसको, और हमारे हो गए पांच फंदे देखिए यहाँ तक के। अब हम ये बाजू के लिए बंद करेंगे फंदे, दो चार छः सात फंदे देखिएगा इस तरीके से, एक दो का एक करते हुए घटा देते हैं इनको, दो तीन चार पाँच छः, और ये हमारे सात फंदे घट चुके हैं। यहाँ पे हमारा देखिएगा हमने बाजू के फंदे घटा दिए हैं। अब हम बनाते हैं पीछे के, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, और ये दस फंदे देखिए आगे हमारे पांच हैं, पीछे डबल होते हैं फंदे, क्योंकि पांच इधर हो जाएंगे, पांच इधर दस, दोनों पार्टों में हमारे आगे दस हो जाएंगे और दस पीछे के। तो इधर भी हम बाजू के सात फंदे घटा लेते हैं, और ऐसे ही पार्ट वाले पांच फंदे बना लेंगे। तो बना लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो हमारी बाजू दोनों ये बन चुकी हैं इस तरीके से। अब हमारे तीन भागों में फंदे हो रखे हैं, तो इनको अब हम एक साथ बना देंगे सभी फंदों को, और ऐसे ही हम अब उल्टा सीधा बनाते हुए देखिएगा यहाँ से बाजू ये हम इस तरीके से बिल्कुल पास में लाते हुए और टाइट करके इस तरीके से, जिससे गैप ना आए बीच में, इस तरीके से हम बना लेते हैं। और इसे बनाने के बाद में हम टोटल छः सिलाई बना लेते हैं, उल्टे तरफ से उल्टी और सीधे तरफ से सीधी। तो चोली बनके हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है, देखिएगा चोली की लंबाई अच्छे से हमारी ये रेडी हो गई है, देखिएगा इस तरीके से। तो अब हम बनाते हैं कमर, कमर ये बन गई पूरी। अब हम बनाते हैं यहाँ से घेरे के लिए फंदे डालते हैं। तो ये हमारे फंदे देख लेते हैं एक बार कितने हैं, दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस, बीस फंदे हैं तो बहुत कम रहेंगे, हमें दो बार बढ़ाएंगे हम फंदों को। तो देखिएगा पहला फंदा हम बॉर्डर का, ऐसे बॉर्डर का बनाएंगे, धागा अपनी तरफ ही है, और ये जाली डालते हुए फंदा बढ़ाया, और इसी फंदे को हमने इस तरीके से दो बार बनाया, फिर से धागा अपनी तरफ किया, जाली डालते हुए एक बार बनाया, और इसी फंदे को हमने इस तरीके से बना लिए पीछे से। तो एक फंदे के हमारे तीन फंदे बन गए, और हम ये सभी फंदों को इसी तरीके से बना लेते हैं, उल्टी तरफ से हम इसको उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो देखिएगा इस तरीके से बढ़ा लेते हैं।
तो हमने ये एक बार फंदे बढ़ा लिए हैं और उल्टे तरफ से हम इसको उल्टा उल्टा बनाते हुए ले आए। तो हम दोबारा एक बार और फंदे बढ़ा लेते हैं क्योंकि घेरे के हिसाब से हमारे फंदे कम रहेंगे तो हमारा घेरा फैला फैला नहीं आएगा। तो इसलिए देखिए बॉर्डर वाले फंदे को हम उल्टा बनाएंगे और ये हर एक फंदे में से इस तरीके से धागा अपनी तरफ किया है, ये जाली डालते हुए हम सभी फंदों को एक का दो करते हुए बना लेते हैं। तो हमारे ये फंदे पूरे हो जाएंगे घेरे के लिए और हमारा घेरा फैला फैला अच्छे से बनके कंप्लीट होगा। अगर फंदे हमारे सही रहेंगे घेरे के लिए तभी घेरा हमारा सही आएगा। तो इस तरीके से हम सभी फंदों को डबल कर लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, हमने फंदे बढ़ाने के बाद में इस तरीके से हमारी जाली बन के आ गई है ये, तो देखिए फुल टाइप में। तो आप चाहो तो इसमें डोरी भी डाल सकते हो यहाँ पे। तो इसे फंदे बढ़ाने के बाद में हमने इसमें देखिए 8 से 10 सिलाई बना ली हैं, सीधी सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। और हमारे फंदे देखिए काफ़ी हो चुके हैं घेर के लिए, हमारा अच्छे से घेरा बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो अब हम इसमें डालते हैं डिजाइन। तो इधर हम स्टार्टिंग में अब बैक साइड से डालेंगे, देखिएगा ब्लैक कलर से। तो हम बनाएंगे ये इधर हाफ हाफ डिजाइन रहेगा दोनों साइड। तो देखिएगा इस तरीके से 4, 5, 6, 7, 8 फंदे हमने इसके डाल लिए हैं पिंक कलर से और एक फंदा हमने बनाया ब्लैक कलर का। धागे को थोड़ा ढीला रखना है जिससे झूलना आए। अब बीच में 2, 3, 4, 5, 6 और ये ब्लैक वाले धागे को ऐसे बीच बीच में दबाते हुए चलना है जिससे खिंचाव नहीं आएगा, अच्छे से बन के कम्प्लीट हो जाएगा ये। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 11 और ये 12 हमने बीच में फंदे 12 कर लिए हैं पिंक कलर के। अब हम एक फंदा बनाते हैं ब्लैक से, फिर से हम 12 फंदे बनाते हैं इसके पिंक के। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसको यहाँ फिर दबा देंगे एक बार, 9, 10, 11 और ये 12 फिर एक ब्लैक से बनाएंगे। इसी तरीके से हम इसको पूरे में डिजाइन डाल लेते हैं और सीधे तरफ से जो जैसा कलर होगा ब्लैक का ब्लैक से बनाएंगे और पिंक को पिंक से बनाएंगे। तो ये हम बना लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम सीधे तरफ आ गए हैं। तो सीधे तरफ हमारा एक फंदा बॉर्डर का है, इसको हम बॉर्डर का बनाएंगे और जो हमारे ये बाकी के फंदे सीधे सीधे हैं इनको हम बनाएंगे इस तरीके से सीधा सीधा इस तरीके से। देखिएगा इनको हमने सीधा सीधा बना दिया है। अब ये ब्लैक कलर है इसको करेंगे आगे, पिंक को पीछे कर दिया, इसको बनाएंगे हम उल्टा गांठ वाला पीछे किया और पिंक को पीछे ही रहने देंगे, इसको सीधा बनाना है। तो ब्लैक को उल्टा बनाएंगे आगे से और पिंक को सीधा, तो इसी तरीके से हम बना लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमने ये बनाई है इस तरीके से, आधी हमारी वर्की बन के तैयार हो गई है ये डिजाइन। 2, 4, 6, 7 फंदे की और देखिएगा बीच में हमारे 6 फंदे रह गए पिंक के, जाके हमने 12 फंदे डाले थे। तो हमारे दोनों साइड इस तरीके से बन गई है। तो आप चाहो तो सभी फंदों को बना सकते हो, ये वाले को भी ज़्यादा फंदों की बना सकते हो ये डिजाइन। तो हमने ये 7 फंदे का बना लिया है, छोटा ही बनाना है हमें। तो अब देखिएगा हम जिस तरीके से बढ़ाते हुए लाए थे फंदों को उसी तरीके से हम इसको अब घटाते हुए चले जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर देखिएगा 2, 3, 4, 5 फंदे ये पिंक और एक ब्लैक को भी हम पिंक से बना लिए, 6 हो गए। अब बीच में हमारे 7 फंदे थे, तो देखिए 2, 3, 4, 5 हमारे 5 रह जाएंगे। दोनों साइड से हमारे एक फंदा ब्लैक का कम हो जाएगा, ये ब्लैक वाले को बना लेंगे हम पिंक से। और फिर बीच में हमारे देखिएगा
दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ जाएगा, तो आठ फंदे हो जाएंगे हमारे। यहाँ पे ये बनाते हैं इसको पिंक के, और पिंक के हमारे आठ फंदे हो गए। अब बीच में हमारे ये पांच पांच फंदे रह जाएंगे, और सीधे तरफ से जो जैसा कलर है उसको हम वैसा ही बनाते हुए चले जाएंगे। तो हर सिलाई पे हम एक फंदा इधर से ब्लैक का पिंक से बना लेंगे, और एक फंदा इधर से जैसे हमने इस सिलाई पर बनाया है ये इस तरीके से। तो हम सभी फंदों को घटा लेते हैं जैसे जैसे हमने इनको बढ़ाया था, देखिए इस तरीके से। तो जैसे हमने एक फंदा यहाँ पे डाला था ये ब्लैक का, तो लास्ट में हमारा एक फंदा रह जाएगा। तो हम इसी तरीके से इनको बना लेते हैं। तो बना लेते हैं फ्रेंड्स, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमने ये बॉर्डर बनाया है यहाँ पे, और बॉर्डर बनाते हुए हमने ये बंद कर दिया है सभी फंदों को। तो देखिएगा इस तरीके से ये हमारी ड्रेस बन के कम्प्लीट हो चुकी है। ये इस तरीके से हमारा घेरा आएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये जीरो से एक नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए हमारी ड्रेस बन के कम्प्लीट हो चुकी है। तो ये बहुत ही बहुत ही आसान है, और देखिएगा डिजाइन भी प्यारा सा लग रहा है, और ड्रेस भी काफ़ी अच्छी लग रही है। ये इस तरीके से ये चोली हमारी देखिएगा छोटी सी है, और घेरा हमने खूब फैला फैला बनाया है, जिससे कान्हा जी को अच्छे से फैल चारों तरफ से अच्छे से फैला के बिछा दिया जाए इस तरीके से। तो देखिएगा पूरा आसन ढक जाएगा ये कान्हा जी को, आप जब बना के बैठाओगे तो इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।